जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर एकजुटता दिवस मनाए जाने के तहत एक हफ्ते से अधिक दिनों का एक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस घबराहट का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा, मैं चाहता हूं कि देश और विदेश में पाकिस्तानी 80 लाख कश्मीरियों के समर्थन में 5 फरवरी को बाहर आएं, जिन्हें फांसीवादी नस्लवादी मोदी शासन ने लगभग 6 महीने से 9 लाख सैनिकों की निगरानी में रखा हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान में कश्मीर के मुद्दे को देश और विदेश में उठाया जाएगा। कुरैशी ने कहा कि इसकी शुरुआत 25 जनवरी से हो जाएगी और ये 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को कश्मीरियों के संघर्ष के बारे में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।